आयु के 4 गुने थे, 15 वर्ष पहले थे 4 गुने, और वर्तमान आयु सुनील की 2 वर्ष पहले, पवन की वर्तमान आयु जो है सुनील की 2 वर्ष पहले की आयु की 1/3 है, जबकि चमन की वर्तमान आयु सुनील की वर्तमान आयु की 3/5 है, तो तीनों की वर्तमान आयु का योग क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छा बोल सकते हैं, इसमें मतलब 2-3 कंडीशन दिए हुए हैं, तो ट्राई करना चाहे तो आप लोग कर सकते हैं एक बार। हाँ, जितने लोग भी देखने हैं यहाँ पे लाइव वो बिल्कुल ट्राई करेंगे। लल्लू सिंह ट्राई करके बताइए, तिलक चंद, करण, राम निवास, धर्मेंद्र, रवि कुमार एंड रवि गगन। चमन की जो वर्तमान आयु है वो सुनील की वर्तमान आयु की 3/5 है प्रेजेंट में, लेकिन हम लिखेंगे चमन और एक तरफ लिखेंगे हम लोग क्या सुनील। तो सुनील और चमन के बारे में पहले हम देखते हैं, ठीक है। तो चमन की जो वर्तमान आयु सुनील की वर्तमान आयु की 3/5 है, मतलब 3/5 का मतलब अगर ये 3 होगा तो ये वाला 5 होगा, ये 5 है तो इसका तीसरा हिस्सा ही है, लेकिन इसमें 3 लोग हैं, 2 ही लोग मिले हमको, और तीनों की वर्तमान आयु का योग पूछा है, तो वर्तमान आयु तो वर्तमान का रेशियो 2 का तो पता है। फिर क्वेश्चन में आगे बोला, जो चमन की वर्तमान आयु थी 15 वर्ष पहले पवन की आयु का 4 गुनी थी, 15 वर्ष पहले पवन की आयु का 4 गुनी थी, ठीक है, 15 वर्ष पहले, और पवन की जो वर्तमान आयु है ना वो सुनील की 2 वर्ष पहले की आयु की 1/3 है, ये भी कंडीशन में दिया हुआ है, ठीक है। 2 वर्ष आयु देखिए, जो पवन की वर्तमान आयु है वो सुनील की 2 वर्ष पहले की आयु की 1/3 है। अच्छा आंसर आने मतलब समय दिया जाए ऐसा बोला है तो बिल्कुल समझ लीजिए, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं, आप अपना अपना ट्राई जरूर, कोशिश करना जरूर चाहिए सभी को, अगर अच्छे क्वेश्चन है तो आप अपना देखिए क्या आपसे बन पाए। और ये जो मैंने देखा बहुत सारे क्वेश्चन आया एग्जाम में, छोटा टॉपिक तो बिल्कुल है, लेकिन क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन इसके टाइम एंड से ज्यादा ही इसमें है, ठीक है, मतलब इसमें नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पड़ेगा, नंबर ज्यादा बने क्वेश्चन तो इस बार भी ज्यादा ही आएंगे क्वेश्चन, तो मैं एक बार यहाँ से 8 क्वेश्चन के सामने से एक बार सभी ट्राई करके जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं। और एक लोगों का आंसर आया है देशराज, ठीक है, तो देशराज का आंसर उन्होंने बताया देशराज, तो बाकी लोग भी ट्राई करें, इसका कितना आ रहा है सभी लोग सोचेंगे एक बार, सभी लोग ट्राई करेंगे। 128 भी आ रहा है, 120 भी आ रहा है, अलग अलग आंसर कैसे आ सकते हैं, अलग अलग आंसर कैसे आएंगे, अलग अलग नहीं सेम आएगा तभी होगा, और इस तरह के क्वेश्चन आपको सीखने होंगे कैसे करेंगे इसको, अलग अलग आंसर, किसी का 125 भी आ रहा है, किसी का अलग भी आ रहा है, जल्दी से ट्राई करिए, सुनील भी है चमन भी है, तो मुझे ट्राई करना होगा, तो सबके आंसर लगभग आ चुके हैं जितने लोग हैं, ठीक है। महेंद्र कुमार ने बताया 125 होगा, सुचित ने 128 बताया और किसी का सी बताया 128 वाला ज्यादा दिख रहा है, तो इन दोनों का तो अनुपात पता है हमको, तीसरा का नहीं मिल पा रहा, दिक्कत हमको किसकी आ रही है, तीसरे की, और पवन की, और पवन के बारे में डेटा कोई दिया भी नहीं है, पवन के बारे में डेटा हमारे पास, चमन की आयु बोला था कि पवन से आयु की 4 गुनी थी, ये डेटा है हमारे पास, देखिए चमन का, चमन जो हमारे पास है, मैं लिख देता हूं इसे आसानी हो आपको समझने में, पवन का 4 गुनी थी, चमन की आयु 15 वर्ष पहले, पवन की आयु की 4 गुनी थी, 4 गुनी तो है लेकिन ये 15 साल पहले की बात हो रही है, इस प्रेजेंट रेशियो से 15 साल पहले की बात हो रही है। अच्छा एक चीज और दिया पवन के बारे में, पवन की जो वर्तमान आयु है ना, पवन की जो वर्तमान आयु है वो सुनील के 2 वर्ष पहले की आयु की, सुनील के 2 वर्ष पहले की आयु के, हाँ क्या बोला, 2 वर्ष पहले की आयु की 1/3 है, 1/3 मतलब 1/3 का मतलब समझ रहे हैं, ये 1 होगा तो ये कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। पवन की वर्तमान आयु सुनील के 2 वर्ष पहले की आयु की 1/3 मतलब समझ रहे हैं, ये 3 होगा तो ये 1 होगा, और इसमें 2 कंडीशन है, ये है इसका प्रेजेंट, ये है 2 वर्ष पहले की, तो 2 वर्ष पहले जो सुनील रहा होगा ना, देखिए अगर यहाँ से निकालेंगे कि सुनील जो है यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे हमारे पास देखिए सुनील और कहाँ मिला हमको, सुनील इन दोनों के अलावा और कहीं मिला, तो सबसे पहले तो ये सिर्फ अनुपात में ले सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू ये वाला 5x के अनुपात में होगा, ये 3x होगा, अगर इसको 5x मान लिया और इसको क्या मान लिया 3x मान लिया, तो ये वाला हो जाएगा 5x माइनस में 2 के बराबर होगा, ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा 5x माइनस 2 के बराबर होगा, जो सुनील के बराबर होगा, तो कहीं ना कहीं अगर पूरा देख रहा है ना, तो कहीं ना कहीं रेशियो में हमारे पास कौन छूट रहा है, पवन हमारे पास निकल नहीं पा रहा, क्योंकि ये 15 वर्ष पहले चवन के साथ है, ये यहाँ पे पवन और सुनील है, ये अलग अलग समय का दिया हुआ है, एक साथ का हमारे पास नहीं दिया हुआ है, हाँ एक साथ का हमारे पास नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक एक चीज में आगे आते हैं, कैसे आगे आगे वो समझेगा, प्रेजेंट में चलते हैं पीछे की तरफ, ये 15 वर्ष पहले का अनुपात है, तो अगर ये 4x होगा इसमें 15 जोड़ दीजिए, और इसमें भी हमारे पास 1x है, इसमें भी 15 जोड़ दीजिए, देखिए ये आ गया प्रेजेंट का अनुपात, ये वाला 1x मान लीजिए, इसको मान लीजिए 3x, देखिए तरीका समझेगा इसको, हाँ ये वाला हमारे पास ये सुनील 3x है, और ये 2 वर्ष पहले की बात हो रही है, इसमें 2 जोड़ दिए, अब इनका 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 सबका अनुपात हम निकाल सकते हैं बहुत ईजी तरीके से, क्योंकि यहाँ भी हमारे पास चमन है और ये पवन है, यहाँ पवन दोनों में कॉमन है, तो इन तीनों का अनुपात हम यहाँ से बता सकते हैं कि अनुपात हमारे पास क्या आएगा, प्रेजेंट का रेशियो हमारे पास क्या मिलने वाला है, तो अगर प्रेजेंट का रेशियो हम यहाँ से देखें सबका निकाल के, इसका चमन का, पवन का और सुनील का, इनके हिसाब से, हाँ इनके हिसाब से अगर देखें क्या अनुपात आना चाहिए, तो देखिए ये वाली वैल्यू देखिए चमन जो होगा ना इस पवन के साथ गुणा होगा इनके साथ, तो ये बन जाएगा हमारे पास 4x² + 15x, ठीक है, अगर इक्वेशन में अब इनका इसमें गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास x² + 15x, और लास्ट में इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास x + 15 और 3x + 2, तो ये अनुपात आएगा, जो इन दोनों का अनुपात तो यहाँ हमारे पास दिया है, जैसे अगर इनका अगर प्रेजेंट में देखें तो किसका हमारे पास दिया, चमन और सुनील का, चमन और सुनील का हमारे पास ये दोनों अनुपात में हमारे पास है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास दिया है, जैसे मान लीजिए हम 3 और 5 का रेशियो अगर यहाँ से लिखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4x² + 15x, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स का गुणा कर लेंगे इसमें इसके साथ, तो ये आ जाएगा 3x² और ये वाला, हाँ तो ये 3x² हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स का गुणा करेंगे तो ये 2x होगा, और ये 15 या 45 2 47x हो जाएगा और 30 हो जाएगा, अब इन दोनों को हमको सॉल्व करके यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो ये तरीके से बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, हाँ बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा कैलकुलेटिव हो जाएगा, इस तरीके से सोचते जाएंगे तो ये बनेगा भी नहीं, ठीक है। ये तो मैं बता रहा हूँ कैसे बेसिक से जाएंगे और कितना लंबा इसका सलूशन होगा, इसके बारे में समझिए इसका मतलब क्या होगा, कि अगर आप एक्स मानते हैं या फिर बेसिक से जाते हैं तो किस तरीके से इसका सलूशन आपका निकलेगा, ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ मैं बता रहा हूँ, अगर इसमें बहुत बड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे तो फिर ये इस तरीके से चलता हुआ चला जाएगा, ठीक है, हाँ इस तरीके से चलता हुआ चला जाएगा हमारे पास,
तो इस तरीके से करेंगे तो हमारे पास कहीं ना कहीं कैलकुलेशन होगा और इसके बाद भी बचा क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व है। एक्स की वैल्यू निकालेंगे फिर सबके जगह रखेंगे वर्तमान वाले में फिर उन सभी को जोड़ेंगे तब जाकर हमारा आंसर मिलने वाला है यहाँ पे और ये कहीं ना कहीं पूरा पूरा क्या हो जाएगा कैलकुलेटिव होता हुआ चला जाएगा। तो ट्राई करते हैं अब दूसरा तरीका, देखिए ऑप्शन के हिसाब से कैसे करेंगे। ऑप्शन मान लीजिए कोई भी ले लेते हैं, जैसे सभी लोग कई लोग आंसर बताएंगे 125 होगा, कुछ लोग बताएं 128 होगा, ये दो ही ऑप्शन हमको यहाँ पे बता रहे हैं सभी, ठीक है। अच्छा कुछ लोगों का भी 120 भी है, हम लास्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। मान लीजिए तीनों का उम्र का योग 125 है, सपोज करिए कितना है 125 है, अगर इन तीनों का उम्र हमारे पास इतना है 125 है, तो जिसमें बोला कि वर्तमान में हमारे पास 3 और 5 के अनुपात का, देखिए ये अनुपात दिया हुआ है वर्तमान में सुनील की आयु और चमन की आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है 3 और 5 दिया हुआ है, कि अगर हमारे पास अगर एक का 3 मान लेते हैं एक का हमने 5 मान लिया और इसके साथ साथ हमारे पास क्या दिया कि चमन की आयु 15 वर्ष पहले पवन की आयु की 4 गुनी थी, ठीक है 4 गुनी मतलब कि 15 वर्ष पहले की अगर बात करेंगे तो ये 15-15 साल दोनों घटेंगे, देखिए चमन भी 15 साल घटेगा और पवन भी 15 साल घटेगा, मतलब इनकी आयु के योग में 15-15 साल दोनों का घट जाएगा, ठीक है ध्यान समझेगा, इनकी आयु के योग में 15-15 साल दोनों घट जाएगा, ठीक है। अगर मैं 15-15 इसमें से 30 घटा लेता हूं अगर यहां से तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 95 आ जाएगा, तो इस 95 में देखिए हमारे पास सिर्फ 2 लोगों घटा है, सिर्फ 2 लोगों घटा हुआ है, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन में ये बोला गया है कि उस समय हमारे पास क्या था कि 4 गुनी थी चमन की आयु उसके साथ और फिर बोला कि पवन की जो वर्तमान आयु है सुनील के 2 वर्ष पहले की आयु की 1/3 भी है। अब इसको आपको बांटना होगा इसके हिसाब से कि जो इसको भी फॉलो करेगी 1 और 4 के गुना में है और 2 वर्ष पीछे करेंगे तो 1 और 2 के ही तुलना होना चाहिए, इसका 1/3 भी होना चाहिए और बाकी वर्तमान आयु जोड़ने के बाद 3 और 5 का रेशियो भी आना चाहिए, तो एक लंबा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। हाँ कमेंट सबके आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, सेकंड नहीं इसके कई सारे मेथड होंगे, ठीक है कई सारे होंगे, कितने लोगों से लगा सही से बताएंगे पहले, तो कितने लोगों से बनाइए, कितने लोगों से बना, मैं इसको बिना उसका बताऊंगा लेकिन हाँ पहले ये बताइए कितने लोगों से आप लोगों से बना, ऐसा नहीं कि सिर्फ आंसर याद करके रखें, सभी लोग ट्राई करके बताएंगे। इसका सिंपल मेथड बता दें, ठीक है बिल्कुल करेंगे चलिए मैं बताऊँ, ध्यान समझिएगा अभी कैसे करेंगे, एक्चुअल में कैसे करेंगे वो समझिएगा। आइए जैसे मैं शुरुआत किया तो मैं शुरू करते हैं, कौन कौन था हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास जो वर्तमान का डेटा दिया है वो सुनील का दिया है, चमन का दिया है, तो चमन जो हमारे पास है चमन और सुनील, चलिए अब लगाते हैं, देखिए ऑप्शन से भी आप नहीं जा पाएंगे इसमें क्योंकि ऑप्शन से आप बाकी नहीं पाएंगे और ऑप्शन में चारों में चेक करने में पूरा टाइम वेस्ट हो सकता है, इस वाले क्वेश्चन में जो इतना बड़ा सा लिखा हुआ है ना, क्योंकि आप फिर उतना सोच नहीं पाएंगे क्योंकि पहला चेक करेंगे अगर मान लीजिए सेट नहीं हुआ फिर दूसरा चेक करेंगे तीसरा चेक करेंगे, 3 तो चेक करना ही पड़ेगा, अगर मान लीजिए पहला ही सही होगा फिर तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगी, लेकिन यहाँ हमारे पास ये 3 यूनिट मान लेते हैं, इसका हमने मान लिया कितना 5 यूनिट मान लिया, ठीक है अगर एक्स नहीं मानना चाहते तो क्या मानेंगे हम यूनिट में मान लेंगे। फिर इसके साथ साथ हमने यहाँ पे एक चीज और लिख दिया, इसके साथ साथ पवन हमारे पास है, पवन के बारे में हमको बोला कि सुनील की 2 वर्ष पहले की आयु का 1/3 है, तो सुनील की आयु हमारे पास क्या है, ये 5 यूनिट है, ये कितना है 5 यूनिट है, इसको यूनिट लिखिए, इसमें अगर 2 वर्ष घटा लें तो इसका 1/3 है, ये कहना चाह रहा है, तो ये इसका भी हमने लिख दिया, तीनों का हमने लिख दिया यहाँ पे, इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई और इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई, तीनों की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब क्वेश्चन में जो डेटा दिया है ना उसके हिसाब से इसमें काम कर लीजिए, जैसे हमको क्या बोला कि चमन की जो आयु है, चमन की आयु 15 वर्ष पहले पवन की आयु की 4 गुनी थी, पवन की आयु की 4 गुनी थी, तो पवन की आयु है कितनी 5 यूनिट है, 5 यूनिट और माइनस में 2 वर्ष पहले की बात हो रही है और इसका 1/3 और ये 15 वर्ष पहले की बात हो रही है, कितने वर्ष 15 वर्ष पहले की, 15 इसमें घटा लेंगे, इसकी 4 गुनी होगी, इसकी कितनी गुनी होगी 4 गुनी होगी, तब जाके ये चमन के बराबर होगा, चमन की आयु कितनी है 3 यूनिट है, चमन ही बोला था ना चमन की आयु की 3 यूनिट, यहां से निकल जाएगा हमारा यूनिट की वैल्यू बहुत आसानी से, देखिए कैसे ये इस 3 का गुणा इधर भी होगा तो हो जाएगा 9 यूनिट और ये वाली वैल्यू देखिए 3 से इधर भी गुणा कर लेंगे तो देखिए आ जाएगा हमारे पास 4 का अंदर भी गुणा कर लीजिए 4 5 20 यूनिट माइनस में 4 2 8 और ये 15 3 45 ठीक है, ये 3 इधर भी गुणा हो गया है तो 20 यूनिट हमारे पास यहाँ है और ये वाला 4 देखिए 4 5 20 भी है 3 यहाँ भी गुणा करेंगे और इसका भी 15 वर्ष पहले की बात, इसका भी एक ध्यान रखेंगे ये भी जो है ना 15 वर्ष इसमें भी 15 घटाएंगे तो इसमें भी -15 यहाँ लिख लेते हैं ऐसे -15 और इस 3 से जब गुणा होगा ना इसमें भी होगा तो यहाँ पे -45 भी आएगा ठीक है, इसका भी ध्यान रखेंगे 3 का। अब हम यूनिट वाले को एक तरफ कर लेते हैं, ये वाला यूनिट इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 11 यूनिट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11 यूनिट। अब देखिए ये हमने इधर लेगा और इन सभी को इधर लेकर आते हैं तो ये वाला माइनस इधर आगे क्या होगा हमारे पास प्लस हो जाएगा, ये वाला 8 भी इधर क्या होगा प्लस हो जाएगा और ये भी माइनस में था इसका ध्यान रखेंगे ठीक है, और इस 4 का जब इसमें गुणा होगा ना तो यहाँ 45 ही नहीं बचेगा, इस 4 का भी गुणा इसमें होगा ना तो इस 4 को भी साथ में रखेंगे ठीक है, तो ये वाली वैल्यू था इधर लेकर आते हैं तो 3 यहाँ गुणा करेंगे और इसका भी 15 वर्ष पहले की बात, इसका भी एक ध्यान रखेंगे ये भी जो है ना 15 वर्ष इसमें भी 15 घटाएंगे तो इसमें भी -15 यहाँ लिख लेते हैं -15 और इस 3 से जब गुणा होगा ना इसमें भी होगा तो यहाँ पे -45 भी आएगा ठीक है, इसका भी ध्यान रखेंगे 3 का। अब हम यूनिट वाले को एक तरफ कर लेते हैं, ये वाला यूनिट इधर आ जाएगा कितना हो जाएगा 11 यूनिट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11 यूनिट। अब देखिए ये हमने इधर लेगा और इन सभी को इधर लेकर आते हैं तो ये वाला माइनस इधर आगे क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस हो जाएगा, ये वाला 8 भी इधर क्या होगा प्लस हो जाएगा और ये भी माइनस में था इसका ध्यान रखेंगे हम लोग ठीक है, और इस 4 का जब इसमें गुणा होगा ना तो यहाँ 45 ही नहीं बचेगा, इस 4 का भी गुणा इसमें होगा ना तो इस 4 को भी साथ में रखेंगे ठीक है, तो ये वाली वैल्यू इधर आके प्लस हो जाएगी, यहाँ 4 बार 45 है यहाँ 1 बार 45 है, जब ये आके इसमें घटेगा तो यहाँ बचेगा हमारे पास कितना 3 बार 45 प्लस में और ये 8 इसमें अलग से जुड़ जाएगा ठीक है, तो 11 यूनिट की जो वैल्यू हमारे पास आ गई इनको कर लेते हैं, देखिए 3 5 15 5 3 4 12 और ये कितना हो जाएगा 13 और प्लस में कितना हो जाएगा 8, तो 11 यूनिट की जो वैल्यू आ गई हमारे पास ये कितना हो जाएगा 143 हो जाएगा, ये होगा ना 11 से ये कटेगा तो काट लेते हैं 1 यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी 11 1 11 11 3 33 13 आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 13, अगर 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ गई तो हम सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं, देखिए 1 बराबर 13 तो 13 3 39 ये हो जाएगा 3 यूनिट की वैल्यू 39, चमन का इस पूछा था 39 आता, 13 5 65 इसका आ गया 65, इसमें रख लेंगे 1 यूनिट की वैल्यू 13 है तो 13 5 65 65 में से 2 जाएगा 63 और 63 में 3 से भाग दे देंगे तो 3 2 6 3 1 3 इन तीनों का एज हमारे पास आ गया और इनका सम पूछा था तो 39 + 65 + 21 कर लीजिए, देखिए कितना आ जाएगा 9 1 10 5 15 5 6 2 8 8 3 11 1 12 तो कितना आ जाएगा हमारे पास 125 वाला सही है, जिनका भी 125 आया था वो बिल्कुल सही है, तो 125 वाला बिल्कुल राइट है, इजी है लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा
लिखना पड़ेगा यहाँ पे, मतलब आपको मानना पड़ेगा ही पड़ेगा, यूनिट में ही जाना पड़ेगा, बिना यूनिट का इसमें नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दोनों का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा बेहतर क्वेश्चन है, और एज का मतलब इस लेवल का क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, मतलब घुमाने वाले क्वेश्चन, तो ये बिल्कुल इसके लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। फिर मतलब इससे अच्छे भी क्वेश्चन आए होंगे यहाँ पे, अगर ऐसे क्वेश्चन है तो, मतलब इतने भी मतलब अच्छे नहीं, लेकिन ठीक है, इतना क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ रहा है मतलब अच्छा क्वेश्चन काउंट किया जाएगा, क्योंकि ये टाइम खा के जाएगा आपका। फिर से रिपीट करें क्या, अलग से रिपीट करें? आइए एक बार फिर से देखिए इसको, अगर कहीं डाउट है ना तो ऐसे समझिएगा। हमने लिख दिया यहाँ पे क्या, ऐसे समझिए, एक तरफ हमने लिखा था चमन, एक तरफ हमने लिखा था सुनील, और एक तरफ लिखा था हमने पवन। तो इनका अनुपात दिया था 3 और इनका दिया था 5, क्वेश्चन ने बोला था। और इसका बोला मैं इससे, इसके यूनिट से कितना, 5 यूनिट जो होगा इसका, 5 यूनिट है। इससे 2 साल पहले अगर देखा जाए तो इसका तिहाई था, मतलब 2 साल घटाने के बाद इसका 3 से भाग देने पर आ जाएगा। ये तीनों का एज आ गया हमारे पास, यूनिट में आया, मतलब ये एक्चुअल वैल्यू नहीं, रेशियो जिसको बोलते हैं, इसका अनुपात है, इसका अनुपात है, इसका अनुपात है। अब इसको चाहे तो आप थोड़ा सा रेशियो को अच्छा बनाने के लिए आप चाहे तो सब में 3 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 3 से। अब देखिए कितना बन जाएगा, ये 9 यूनिट बन जाएगा, ये 15 बन जाएगा, और ये वाला बन जाएगा 5 यूनिट माइनस में 2। एक्चुअल में यूनिट तो ये भी होता है, रेशियो जितने भी होता है ना वो यूनिट ही होता है, बस हम यूनिट लिखते नहीं उसमें। ये 2 को यूनिट इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि ये जो 2 है ना ये वर्ष में दिया हुआ है, तो इसको यूनिट के साथ नहीं मर्ज कर सकते, इसलिए इसको 2 साल ही लिखेंगे, ठीक है। ये तो हमने कर दिया, इन तीनों का हमने बना लिया वो। अब आगे क्वेश्चन में एक डेटा दिया था कि 15 साल पीछे की कहानी बताया था, कि 15 साल पीछे ना, कि ये वाला जो 15 साल पीछे चला जाएगा, ठीक है, ये वाला 15 साल पीछे और ये भी 15 साल पीछे, जब 15 साल इन लोगों का घट जाएगा, ये तो प्रेजेंट होगा ना, प्रेजेंट 15 साल जब इसका कम होगा और 15 साल इसका कम होगा, तो उसके बाद क्वेश्चन ने बोला था ना कि ये वाला जो एज होगा इसका, एज इस वाले के एज का 4 गुना होगा, यही बोला था कि 15 साल पहले जो चमन होगा, तो ऐसे लिख लेंगे 9 यूनिट में से, फिर से मैं थोड़ा सा बदल दिया तरीका, 9 यूनिट में से अगर 15 साल घटा दिया जाए और 5 यूनिट माइनस 2 में भी 15 साल घटा दिया जाए, 15 साल इसमें भी घटा रहे, तो बोला था कि ये वाला जो एज है ना इसका 4 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, मतलब ये 4 गुना रहेगा और इसका ये क्या रहेगा, 1 गुना रहेगा। अब इसका गुणा इधर करना है, इसका गुणा इधर करना है, तो ये तो यही रहेगा 9 यूनिट माइनस में 15, और इसका गुणा इधर करेंगे 4 से तो 4 × 5 = 20 यूनिट आ जाएगा, और ये 15 2 17 चौके कितना हो जाएगा 68, माइनस में कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा, यही होगा हमारे पास यहाँ तक, ठीक है। 15 और 2 17 होगा, 17 × 4 = 68 हो जाएगा। तो इसको अगर इधर लेकर चले जाएंगे हम लोग, तो ये वाला कितना आ जाएगा हमारे पास 9 यूनिट, नहीं कितना जाएगा 11 यूनिट, तो 11 यूनिट की जो वैल्यू आएगी ये 15 जाके हमारे पास, अगर इसको इधर ले जाए तो इसमें घटा लेंगे हम लोग 15, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास 15 घटा लिया, ये 4 गुना पे था। अच्छा क्वेश्चन में हमको ये 4 इसका दिया था क्या, हाँ एक बार जरूर देख लेंगे कि 4 किसका दिया हुआ था, अगर ये दिया होगा तो चलिए इसको इधर ले गए, इसको इधर ले आएंगे तो ये हमारे पास 11 की वैल्यू थोड़ी कमी आ रही है, हाँ कमी आएगी, कोई दिक्कत नहीं। 15 इधर है तो 68 हो गया, और ये वाला कितना हो जाएगा घटा लीजिए इसमें से, ये वाला हमारे पास 15 घटा लेंगे इसमें से, तो इधर से हमारे पास चला गया 8, और 7 घटा लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 53 आ रहा है क्या, एक बार चेक कर लेंगे सभी लोग, 53 आ रहा है, 8 × 8 = 16 52 आ जाएगा ना, 8 इधर और 8 है तो 53 आएगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास 53 आ गया तो 11 यूनिट की वैल्यू, तो एक यूनिट की जो वैल्यू होगी ना वो हमारे पास आ जाएगी 53/11। अब यही वैल्यू आपको यहाँ पर रख लेनी है, इसकी वैल्यू रख देंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे और इसकी वैल्यू रख देंगे, तो सबकी वैल्यू हमारे पास निकाल देगा, ये जैसे ये वाला हमारे पास आएगा 9 × 53/11, ये 15 × 53/11, 5 × 53/11, और सभी को हम जोड़ लेंगे 125 आएगा, ये 11 बाद में कट जाएगा जोड़ने के बाद, इसलिए यहाँ पर आया, अगर वैल्यू को थोड़ा सा वो करेंगे तो क्या नहीं दिख रहा, कनेक्ट नहीं दिख रहा है, कमेंट नहीं दिख रहा, बिल्कुल दिख रहा, कमेंट नहीं दिख रहा, बिल्कुल दिख रहा हमको, दिखेगा आप लोगों को अपना अपना कमेंट दिखाई देगा, -45 से, अच्छा -45 ही बताना, चलिए -45 ही समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप उसी तरीके से समझना, जिस तरीके से समझना उसी तरीके से समझिए, हाँ वैसे ही समझ लीजिए, जिस तरीके से मैंने शुरू में था वैसे देख लीजिए, ये हो गया तीनों का। फिर क्वेश्चन बोला था कि ये 9 यूनिट है, कितना है 54, 9 यूनिट, इसमें बोला 15 साल घटा दिया जाए, इस पवन के यूनिट में भी जो 5 यूनिट है हमारे पास और माइनस में 2/3, इसमें भी 15 साल घटा दिया जाए, तो इसका उम्र जो होगा ना 4 गुना हो जाएगा, ये मैंने बताया था पिछले बार, हमने बस ये लिखा था, इसका जो एज आएगा इसके 4 गुना करेंगे तो इसके बराबर होगा, तो 3 से गुणा होगा तो 3 × 9, अच्छा ये हमारे पास 9 यूनिट क्यों करेंगे, जब 3 है नहीं यहाँ पे तो इसको 3 हटा देते हैं, क्योंकि 3 से गुणा तब करेंगे तो ये वाला 3 हट जाएगा ना, तो यहाँ पे 3 यूनिट रहेगा, कितना रहेगा हमारे पास 3 यूनिट रहेगा, 3 यूनिट, और ये माइनस में 15, यहाँ पे 5 − 2/3, अब यहाँ 3 से गुणा करेंगे 3 × 3 कितना आएगा 9 यूनिट, माइनस में 45, और इस 4 से इसमें होगा तो 20 यूनिट और माइनस में 8, और इस 4 से इसमें भी होगा 15 × 60, 15 × 60 और 3 से इधर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास आ गया, यूनिट वाले को एक साथ कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 11 यूनिट, और ये 180 और ये मिलकर 188 हो जाएंगे, और इसमें जुड़ जाएगा तो 188 माइनस में 45, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 × 4 = 1, तो ये कितना आ जाएगा 143, तो 11 से कट जाएगा हमारे पास, तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 13, अगर 13 आ गई तो सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं, एक यूनिट की वैल्यू 13, तो इसमें 13 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 39 साल, 54 इसमें 13 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 65 साल, 13 × 65 में से 2 × 63 ये आ जाएगा 21 साल, तो इन्हीं को जोड़ लेना था 39 + 65 + 21, और ये हमारे पास आ गया 125, ठीक है, कितना आ गया 125, बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको हर एक चीज को बताया जा रहा है, चलिए इसको देखिएगा, 9 महीने पहले त्रिशा की आयु ऋषभ की आयु का, सेम इसी टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, 9 महीने पहले त्रिशा की आयु ऋषभ की आयु का 3 गुनी थी, जो कि यवन से 4 माह बड़ा है, और आज से 25 माह बाद यवन की आयु का 20 गुना होगा, त्रिशा की आयु के 9 गुना के बराबर है, तो उसकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा, सेम क्वेश्चन है और सेम कॉन्सेप्ट के साथ लगाना, थोड़ा सा मेहनत करिए तभी हो पाएगा, ठीक है, चलिए ट्राई करेंगे सभी, और जब यहां पे बड़ा और छोटा आ जाता है ना तो आपको एक्स वाई जेड मानना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि रेशियो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, तो रेशियो आपको मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन रेशियो हम तभी लगाते हैं क्वेश्चन में, रेशियो तभी लगाते हैं जब क्वेश्चन बोलता है 2 गुना है, 3 गुना है, 3-4 का अनुपात है, 5-4 का अनुपात है, लेकिन जब कहीं बोल दिया ना कि ये बड़ा है, तो रेशियो में बड़ा छोटा बनाने के लिए या तो आप यूनिट मान के उसमें क्या करें इसको जोड़िए, या तो फिर आप अपने वैल्यू से कुछ भी मान के लगा सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया है, ये मेरे क्वेश्चन थोड़ी ना, ये तो ग्रुप डी का क्वेश्चन है, मैं कहां से क्वेश्चन लाऊं, ठीक है, जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में और आपको पढ़ना भी पड़ेगा, इसको बिना पढ़े काम भी नहीं चलने वाला, करिए आज अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिख रहे हैं, हाँ करिए ट्राई।
कर लेंगे, मुझे बताना है जल्दी बताइएगा। सभी क्वेश्चन नहीं होते, हर पेपर में एक क्वेश्चन तो लेंदी आता है, वो एज का हो या टाइम एंड वर्क का हो या वो ज्योमेट्री हो या मेंस्ट्रुएशन, तो ऐसा नहीं 25 से 25 मुश्किल मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ रेशियो तो हमको दिया भी है ना, तो ऐसे दिया कि 9 महीने पहले त्रिशा की आयु ऋषभ की आयु का 3 गुनी थी, तो 9 महीने पहले की बात बताया कि 3 गुनी थी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। और एमन से 4 माह बड़ा है, ठीक है ऋषभ की आयु 3 गुनी थी, तो ऋषभ जो है ना इस एमन से कितना महीना बड़ा है हमको क्वेश्चन दिया होगा 4 माह बड़ा है, और आज से 25 माह बाद अब यमन की आयु का 20 गुना और त्रिशा की आयु का 9 गुना बराबर होगा, ये तो कंडीशन दिया, ये तो कर लेंगे। लेकिन पहले रेशियो बनाएंगे कहाँ से, तो क्या मानेंगे आप यूनिट मानना चाहते हैं तो एक यूनिट मान लीजिए, या तो अगर एक्स वाई जेड मानना चाहते हैं तो एक्स वाई जेड मान के कर सकते हैं, डिफिकल्ट तो नहीं बोलते हैं, थोड़ा टाइम टेकन बोल सकते हैं, ठीक है डिफिकल्ट इस चीज़ का। यमन से ही शुरू करिए, यमन से ही 4 महीने बड़ा है और 3, चलिए आई सारी कहानी मैं बताता हूँ कैसे कैसे करेंगे, मैं यहाँ से करता हूँ, हम करते हैं यमन लिख लेते हैं पहले, यमन और कौन है यहाँ पे ऋषभ है, ऋषभ और कौन है यहाँ पे त्रिशा है, सबको तीनों को हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। और हम यमन की आयु मान लेते हैं कि एक यूनिट है, कितना यूनिट है, एक यूनिट है, ठीक है। और ये कब की बात हो रही है, 9 महीने पहले की, तो अभी की बात नहीं है, 9 महीने पहले के लिए बात हो रही है कि एक यूनिट इसका है, तो 9 महीने पहले इसका एक यूनिट मान लेंगे, तो फिर बोला जो ऋषभ है इसे 4 माह बढ़ा है, कितना महीना बढ़ा, महीने में बात दिया तो ईयर नहीं करेंगे, तो ये होगा हमारे पास एक यूनिट प्लस 4 मंथ, ये 4 जो होगा ना इसके साथ यूनिट इसलिए नहीं लिखना क्योंकि ये 4 मंथ इसमें ऐसा दिया होगा। और एक डेटा और दिया था कि इसी पहले त्रिशा की आयु ना ऋषभ की आयु से 3 गुनी, बोले कि इसी का 3 गुना त्रिशा है, इसका 3 गुना, तो 3 से इसमें गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 3 यूनिट, 3 यूनिट को यू लिख दे रहे हैं, अब प्लस 12 हो जाएगा, देखिए 12 कैसे आ गया, इसमें 3 से गुणा करें, इसी का 3 गुना ये है, तो ये 3 गुना होगा, ये तीनों का हमारे पास मिल गया, क्या मिल गया इन तीनों का, 9 महीने पहले का अनुपात। अब 9 महीने पहले का है तो सब में 9 महीना जोड़ दें, इसमें भी 9 महीना, इसमें भी 9 महीना और इसमें भी 9 महीना, तो वर्तमान की बात करते हैं हम प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट में देखिए ये हो जाएगा जो ये वाला था ना, ये बन जाएगा 1 यूनिट प्लस 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1 यूनिट प्लस 13 महीना हो जाएगा, और ये वाला कितना हो जाएगा 3 यूनिट प्लस 12 और 9 कितना हो जाएगा 21 महीना हो जाएगा, ये 21 है, ठीक है ये वर्तमान होगा, ये 9 महीने पहले 9 महीना सब में जोड़ेंगे क्योंकि 9 महीने पहले के बारे में बात कर रहे हैं। अब आगे क्या बोला है कि आज से 25 महीने के बाद यवन की आयु का 20 गुना, तो 25 महीने और जोड़ना है, तो यवन कौन है यहाँ पे है, तो आज से 25 महीने बाद, तो 25 महीने बाद इसमें जो 25 जोड़ेंगे ना 25 महीना, तो ये हो जाएगा 25 और 9 कितना हो जाएगा हमारे पास 5 4 34, तो 1 यूनिट प्लस 34, ठीक है 1 यूनिट प्लस 34, 25 माह बाद, 25 माह बाद यमन की आयु का 20 गुना, इसकी आयु का 20 गुना क्वेश्चन में बोला 20 गुना, फिर बराबर बोला था त्रिशा की आयु के 9 गुने के बराबर है, तो त्रिशा कहाँ यहाँ पे त्रिशा, और ये भी तो 25 साल बाद 25 माह बाद की बात हो रही है, तो 25 इसमें भी जोड़ देंगे तो 25 और 13 कितना हो जाएगा 1 यूनिट प्लस 5 3 8 और 3 8 30, और इसका 9 गुना के बराबर है, इसका 9 गुना के, अब यहां से आएगा यूनिट का मान, ठीक है तो चलिए इसका 20 से गुणा कर देंगे तो ये 20 यूनिट हो जाएगा, यू को यू लिख देते हैं, और इसमें कर देंगे 34 गुना हमारे पास कितना आ जाएगा 68 और 620, यहां 9 से करेंगे तो ये 9 यूनिट होगा, और ये 9 8 72 के 2 और 9 3 27 और 27 3 और 34, यही आएगा ना 9 8 72 2 9 3 27 और 7, ठीक है तो 34 हो गया, तो इसमें घटा लेंगे तो यहाँ भी 11 यूनिट ही आएगा, 11 यूनिट की वैल्यू ये वाला इधर आ जाएगा और 34 गुना ये आ गया त्रिशा की आयु के 9 गुना के बराबर है, त्रिशा कहाँ, अच्छा त्रिशा थोड़ा सा गलत हमने इस बार, त्रिशा के यहाँ पे त्रिशा नहीं है, ये तो त्रिशा है ना, त्रिशा ये वाली है, तो इसमें 25 साल जोड़ना था यहाँ पे, इसका छोड़ देते हैं, नहीं तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, फिर अलग अलग मैच नहीं करेगा, तो इधर वाला थोड़ा सा डेटा चेंज करते हैं क्योंकि ये 25 जोड़ेंगे तो ये तो 3 यूनिट रहेगा, 3 यूनिट प्लस 25 और 21 जोड़ देंगे तो ये 6 और 4 आ जाएगा और इसका 9 गुना, तो अब 9 को गुणा करेंगे तो ये 27 यूनिट आ जाएगा, 27 यूनिट और 9 6 54 के 4 और 9 4 36 और 36 और 5 कितना हो जाएगा 41, अब देखिए ये यूनिट वाला इस बार घटेगा ना तो यहाँ पे 7 यूनिट आएगा, कितना आएगा 7 यूनिट, यूनिट वाला एक साथ घटाएंगे तो ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 7 यूनिट आ जाएगी, 7 यूनिट की वैल्यू देखिए ये 414 और 600 से घटाना 6, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ 7 में से 1 जाएगा फिर से 6 आ जाएगा, सही है ना, 10 में से 4 गया 6, यहाँ 7 में से 1 गया 6 और यहाँ बचा हमारे पास कितना 6 में से 4 गया 2, अब हम एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं 7 × 3 21 हो जाएगा और यहाँ बचा कितना हमारे पास 5 7 8 56, एक यूनिट की वैल्यू 38 आ गई, अब आपसे पूछा गया कि उसकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा, अब वर्तमान आयु देखिए यहाँ पे है, वर्तमान आयु ये वाले हैं तो एक यूनिट की वैल्यू 38, तो इसमें 38 और 9 जोड़ देंगे 38, देखिए यहाँ पर 38 रखेंगे और 9 जोड़ेंगे तो 2 जोड़ेंगे तो 40 और 47, ये 47 महीने का है वर्तमान मेरे सब, इसमें अगर हम 38 रखेंगे तो 38 और 13, देखिए 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 40 और ये कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, ये 51 हो गया, 38 यहाँ रखेंगे तो 38 × 3 तो 30 × 90 8 × 3 24 24 हो गया, तो ये हमारे पास 114 हो जाएगा, 3 8 24 3 × 3 9 2 11 114 ये हो गया, और साथ में ये वाला हमारे पास 21 और है इसमें, ठीक है 21 और इसमें जोड़ लेते हैं, तो ये अगेन की वर्तमान में महीने का आ गया, आप सबको पूरा जोड़ लेते हैं जितने सारे हमारे पास पड़े हुए हैं, ठीक है तो ये हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 और 2 1 3 और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 135 135 और ये वाला 5 1 6 और 6 7 हमारे पास कितना हो जाएगा 7 6 13, ठीक है नहीं फिर से गलत जोड़ दिया हमने 5 7 5 12 1 13 और यहाँ 5 3 8 8 4 12 और 12 मतलब यहाँ हमारे पास 2 आ गया, ठीक है 5 3 8 8 4 12 13 से 13 कर लेते हैं इसको और यहाँ हमारे पास कितना आ जाएगा 1 और 2 233 महीने आ गया सबका, अगर 233 महीने हमारे पास मिल गया तो इसमें हम क्या करेंगे, हाँ त्रिशा का 9 गुना ही तो किया यहाँ पे, तो इसको हम 12 महीने से डिवाइड कर देंगे तो 12 से कितने बार कट जाएगा, 12 से एक ही बार कटेगा 12 1 = 12 और यहाँ बच जाएगा हमारे पास कितना 11 बच जाएगा, देखिए यहाँ 12 से भाग देंगे तो हमारे पास 11 बचा हुआ तो 11 मतलब आ गया 113 आ गया, तो 12 से हम कर सकते हैं 12 9 108 तो 12 9 108 हो गया हमारे पास, तो यहाँ कितना बचा हमारे पास 108 के बाद यहाँ बच गया हमारे पास 2 और 3 तो 19 साल 5 महीना मतलब कौन सा वाला ऑप्शन है सी वाला, तो कहीं ना कहीं पूरा दिमाग को ये घुमाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है पूरा का पूरा टाइम आपका ये खाया जाएगा अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन मिल गया तो, हाँ 19 और 5
नहीं जैसे क्वेश्चन देख के लेवल पता चल जाता है कि क्या क्वेश्चन आपसे बनने वाला कि नहीं बनने वाला, अगर बनने वाला तो कितना टाइम देने वाला था, ऐसे क्वेश्चन को लास्ट में किया करिए, ठीक है। और ये मान के चलिए 25 क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे अगर उनको शुरू में बना लेंगे तो डिमोटिवेट हो जाएंगे। और ये हर किसी भी टॉपिक का हो सकता है, एज ऐसा नहीं, एज का किसी भी टॉपिक से आ सकता है, किसी भी टॉपिक से बन सकता है। और इस पैटर्न को ध्यान से समझ लीजिए, पट्टी हटा दें, एक सेकंड में पट्टी हटाता हूँ। चला जाए इतना भी और चलेगा, जब तक आप चाहेंगे तब तक चलेगा। और क्या, अब देखिए एक क्वेश्चन सेम और लगाते हैं इसी बेस में, कोई चेंज नहीं है, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है पिछले वाला। इसमें 10 महीने पहले त्यासा की आयु ऋषि की आयु की 2.5 होनी थी और श्रवण उससे 15 महीने बड़ा है, फिर सब चीज दिया हुआ हमारे पास। और 30 महीने बाद श्रवण की आयु का 16 गुना और त्यासा की आयु का 7 गुना होगा, मतलब बराबर होगा, और इनके वर्तमान आयु का योग कितना होगा। भाई सेम क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है। तो देखिए 10 महीने पहले की बात करते हैं, 10 महीने पहले की बात होते हैं, ठीक है। अब इनमें आप सबका लिख लीजिए, ये बोला गया था कि देखिए ये 10 महीने पहले त्यासा की आयु ऋषि की आयु की 2.5 गुनी थी, तो त्यासा को लिखते हैं सबसे बाद में, कहीं भी लिख लें कोई दिक्कत नहीं, त्यासा ऋषि, ठीक है, ऋषि दिया था ना, हाँ, ऋषि की आयु का 3 गुनी थी। और इसके बाद हमारे पास क्या इसी में श्रवण है, ठीक है, ये 3 लोग हैं, तो श्रवण की आयु आपको मान लेना होगा, श्रवण से 15 वर्ष बड़ा है, कौन है, जो कि ऋषि 15 वर्ष बड़ा है, ये वाला इससे 15 वर्ष बड़ा है। अगर ये 1 यूनिट होगा तो ये वाला 1 यूनिट प्लस 15 होगा, और ये इससे 3 गुनी है, ठीक है, 3 गुनी मतलब 3 गुना मतलब समझ रहे हैं, ये 3 यूनिट और प्लस 45 हो जाएगा। ये हमारे पास 10 महीने पहले का है। अब वर्तमान की बात करते हैं, वर्तमान यानी अभी की बात है, तो सब में 10-10 महीने जुड़ जाएंगे, ये श्रवण जो हो जाएगा 1 यूनिट प्लस 10 हो जाएगा 10 महीना, ठीक है, और ये वाला 1 यूनिट प्लस 25 महीना हो जाएगा, 25 महीना हम नहीं लिखते हैं, कंफ्यूज होंगे बाद में, ठीक है, 25 महीना हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये था, और ये वाला हो जाएगा 3 यूनिट प्लस, इसमें 10 जोड़ देंगे तो ये 55 हो जाएगा। ये कहानी हो गई अभी की। फिर बोला 30 महीने के बाद श्रवण की आयु का 16 गुना, 30 महीने बाद, तो श्रवण देखिए यहाँ पे है, 30 महीने बाद की बात हो रही, 30 महीने बाद मतलब 1 यूनिट प्लस 40 महीना, इसका बोला था कि 16 गुना जो होगा, फिर क्या बोला है कि 7 गुना हो जाएगा, किसकी आयु का, त्यासा की आयु का 7 गुना, ठीक है, त्यासा की आयु का, तो 10 इसमें भी जोड़ लेंगे 30 वर्ष, तो देखिए 3 यूनिट प्लस 55 मतलब कितना हो जाएगा 85, और इसका कितना गुना होगा ये 7 गुना, तो 16 यूनिट यहाँ आ गया, 16 यूनिट 16 चौके 64, 640, 7 21 और प्लस 7 35 के 5 7 8 56 और 56 3 59, ये हमारे पास आ गया, ये इसमें घट जाएगा या इसको इधर घटा देंगे तो ये 4 1 5 यूनिट आ गया, 5 यूनिट की जो वैल्यू आएगी, ये हमारे पास कितना यहाँ से 5 इधर और इधर कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी वो 9 आ जाएगी। अगर 9 आ गई तो वर्तमान में देखिए कितना आ गया, 9 और 10 कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा, 9 और 25 कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा, 9 × 3 27 और 55 तो 7 5 12 आ जाएगा, 5 2 कितना हो जाएगा 7 1 8 ये आ गया 82। अब इन सभी को जोड़ के बोला है कितना महीना आएगा हमारे पास, ठीक है, इन सभी को जोड़ के हमको निकालना है। अच्छा क्वेश्चन में एक चीज और बोला था, इस बार थोड़ा सा हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, क्वेश्चन में ये 2.5 गुना था और यहाँ हमने 3 गुना कर दिया है, ठीक है, तो 3 गुना के हिसाब से आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 2.5 गुना के हिसाब से नहीं आएगा, क्योंकि 2.5 गुना करेंगे तभी आपका आंसर मैच आएगा, लेकिन तरीका वही है, जिस तरीके से अब आपको फिर से पूरा लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ये 2.5 गुना था, 2.5 गुना का मतलब 5/2 गुना, इसमें 5/2 का गुना करना पड़ेगा तब जाके हमारा आंसर बनेगा, मतलब आप लोग लगा सकते हैं या मुझे फिर से बताना ही होगा। हाँ यहाँ पे जो होगा त्यासा, ये 2.5 गुना ही दिया है क्वेश्चन में, वैसे अगर 3 गुना होता तो उसका आंसर आ जाता कुछ जो भी आता, तो 2.5 गुना में इसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होती, 2.5 गुना मतलब हमारे पास क्या होता है, 2.5 गुना मतलब इसका ये 5/2 गुना, तो ये हो जाएगा 5/2 यूनिट और प्लस इसमें कर देंगे 15/5 75/2, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इन सभी में हम 10-10 महीने जोड़ेंगे तो वर्तमान में 1 यूनिट प्लस ये आ जाएगा 10 महीने, ठीक है, और ये वाला आ जाएगा 1 यूनिट प्लस 25 महीने, और ये वाला थोड़ा कैलकुलेट हो जाएगा 5/2 यूनिट और प्लस में अगर इसमें 10 महीने जोड़ेंगे ना, तो देखिए हमारे पास क्या होगा 75/2 और प्लस में 10, तो 10 × 20 और 20 और ये 75 जोड़ेंगे तो ये 95/2 यूनिट आ गया, ठीक है। अब इसके बाद बोला कि 30 महीने के बाद, ये 30 महीने के बाद कितना हो जाएगा 1 यूनिट प्लस 40 महीने, और इसका कितना गुना हमारे पास दिया 16 गुना, और फिर बोला इसका कितना, इसमें भी 30 वर्ष बाद, तो 30 इसमें और जोड़ना अभी 95/2 प्लस में 30 करेंगे तो 30 × 60 और 60 जोड़ लेंगे तो 9 6 15 155 और 155/2, मतलब ये आ जाएगा हमारे पास 5/2 यूनिट प्लस 155/2 और इसका कितना गुना 7 गुना होगा, ठीक है, इसका गुना 7 गुना, तो ये तो 16 यूनिट, ठीक है, प्लस 16 चौके 64 640 सही है, 7 करेंगे तो ये आ जाएगा 35/2 यूनिट, 7 से इसमें गुणा करेंगे तो 155/7/2। अब इनको एक साथ करना है, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल के यहाँ पर रखना होगा, भाई पुराना तरीका, ठीक है, कर लेंगे 2.5 गुना है, इसलिए हम इस तरीके से कर सकते हैं। फ्रैक्शन में नहीं बचने के लिए, पॉइंट से बचने के लिए हमने 2.5 को हमने 5/2 लिखा है, ठीक है, कि आपका पॉइंट में ना जाए और आसानी से इसको लगा ले, कर लेंगे और बन जाएगा, कोई ना कोई आंसर मिल जाएगा इसमें, मतलब पैटर्न सेम है, कोई अलग नहीं है, ठीक है। आते देखते हैं और कुछ नया क्वेश्चन है तो इसको भी देखते हैं, लीजिए नया क्वेश्चन भी आ गया, ये पुराने जैसा ही है। बिजू की आयु शुभम की आयु की 3 गुने से 28 वर्ष कम है, शुभम की आयु आमिर की आयु के 4/5 से 16 वर्ष अधिक है, कावेरी आमिर से 10 वर्ष छोटी है और शुभम की आधी आयु की है, और इन सबकी आयु का योग क्या होगा। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, चलिए सब लोग ट्राई करेंगे इसको, ठीक है, बेहतर क्वेश्चन, सभी लोग ट्राई करिए इसमें, बिल्कुल ट्राई करें, लगाइए दिमाग आप लोग, जी हमको लग रहा है उन सभी से बेहतर क्वेश्चन है, उन दोनों से भी, जिस तरीके का हमको लिख रहा है इसका लैंग्वेज, पढ़िए क्वेश्चन को। बिजू की आयु शुभम की आयु के 3 गुने से 28 वर्ष कम है, 3 गुना भी करना है 28 वर्ष कम भी करना है, और शुभम की आयु आमिर की आयु के 4/5 से भी 16 वर्ष अधिक है, जब अधिक और कम दे देता है ना, तो यहाँ पर रेशियो लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, और कावेरी आमिर से 10 वर्ष छोटी है और शुभम की आधी आयु की है, करिए जल्दी जल्दी सभी ट्राई करें, एक बार अपना दिमाग लगाएं इसमें क्या हो सकता है आंसर। मैं ऐसे क्वेश्चन को ट्रिक बनाता हूँ आप लोगों के, ठीक है, जिससे कि आपका टाइम ना लगे, ठीक है,
क्योंकि मैं तो खुद ही पहली बार देख रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आए हुए। तो मैं कुछ बनाऊंगा इसके लिए बेहतर से बेहतर तरीका जो हो सकता है। अभी तो फिलहाल मैं ऐसे लगाते हैं, लेकिन मैं इस पर एक दिन मैं सोचूंगा इसके बारे में तो कुछ ना कुछ बेहतर मिल जाएगा बिना कुछ लगाए। तो क्वेश्चन क्या बोला, बीजू की आयु शुभम की आयु की तीन गुनी है। इसमें कई सारे नाम होते हैं, पहले इसमें कंफ्यूज नहीं होना। एक बीजू हमको मिल गया, एक शुभम मिल गया, फिर क्या बोला है शुभम, फिर से शुभम मिला है, आमिर भी इसमें है, इसमें इसका भी ध्यान रखना है। कावेरी भी इसमें है जो आमिर से 10 वर्ष छोटी भी है और शुभम की आधी भी है, ठीक है, शुभम की आधी आयु की, इन सबकी आयु का योग है। तो हमारे पास कौन कौन मिला है, एक लोग हैं, दो लोग मिल गए, तीन लोग मिल गए, चार लोग मिल गए, मतलब चार लोगों की यहाँ पर चर्चा हो रही है, ठीक है, इन चारों में। अच्छा ऐसा क्या आप लोगों को, ये कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि ऊपर से चला गया शेर सिंह कमेंट कर रहे हैं कि आज तो ये बाहर चला गया। 25 से 25 लाने हैं तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, कुछ छोड़ना नहीं आपको, हर एक चीज़ लगाना पड़ेगा, ठीक है। शुभम से स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है, सभी का नाम लिख के इन लोगों का आयु के बारे में शुरुआत करिए। क्या उनको पहले नाम लिखे सारे चारों लोगों का, शुभम, कावेरी, और कौन हमारे पास, शुभम है, कावेरी है, आमिर है और बीजू है, ठीक है, ये चार लोग हैं हमारे पास। इन चारों लोगों के बारे में हमको देखना है, इन चारों के बारे में क्या क्या चीज़ें दिया गया है। अगर हम शुभम की आयु मान लेते हैं कि एक यूनिट है, कितना यूनिट है, एक यूनिट, ठीक है, एक यूनिट है। अब यूनिट को आप यू से भी दिखा सकते हैं, ठीक है, कितना है हमारे पास, एक यूनिट है। अब यहाँ से शुरू करते हैं कि देखिए शुभम की आयु दिया है, फिर बोला कि जो यहाँ देखिए समझ गया, कावेरी आमिर से 10 वर्ष छोटी तो है लेकिन शुभम की आधी आयु की है, तो शुभम की जो आयु होगा ना इसकी आधी होगी, तो एक यूनिट का आधा इसका हो जाएगा, ठीक है, एक यूनिट का आधा इसका हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में बोला जो कावेरी है आमिर से 10 वर्ष छोटी है, मतलब आमिर से 10 वर्ष छोटी है, अगर इसमें 10 जोड़ देंगे ना, एक यूनिट बटे दो में अगर 10 वर्ष जोड़ देंगे तो ये किसका आ जाएगा, आमिर का आ जाएगा, आमिर का भी निकल गया। हाँ, सबका अलग अलग कमेंट अपने देखेगा, ये आमिर का हो गया। फिर क्वेश्चन में क्या बोला है और देख लेते हैं, बीजू की आयु जो है शुभम की आयु के 3 गुने से 28 वर्ष कम है, ठीक है, बीजू की आयु जो है शुभम की आयु के 3 गुने से 28 वर्ष कम है। शुभम, शुभम देखिए हमारे पास ये है, तो इसके क्या है कि देखिए इसके आयु का बीजू की आयु देखिए, क्या क्वेश्चन बोला कि इसकी बीजू की आयु शुभम की आयु के 3 गुने से 28 वर्ष कम है, इसका 3 गुना करेंगे, मतलब ये वाला जो होगा ना इसका 3 यूनिट से 28 कम है, यही बोला गया, मतलब यहाँ लिख सकते हैं 3 यूनिट माइनस में 28, ये हमारे पास ये है कि जो बीजू की आयु शुभम की आयु के 3 गुने से 28 वर्ष कम है, तो इसका 3 गुना कर दिया 28 वर्ष कम है, ये तो हो गया सबके आयु का रेशियो सिर्फ। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, अब यहाँ वाली लाइन को आपको हेल्प लेकर लगाना जो बीच में बचा हमारे पास, ये वाली लाइन, इसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा, यहीं से हमारा बनेगा क्या, इस यूनिट का मान आएगा। शुभम की आयु आमिर की आयु के 4/5 से 16 वर्ष अधिक है। शुभम की आयु हमारे पास एक यूनिट है, ठीक है, शुभम की आयु एक यूनिट है, शुभम की आयु आमिर की आयु के 4/5, आमिर की आयु ये है 1 यूनिट बटे 2 प्लस 10, हाँ ये बोला है, आमिर की आयु के 4/5, इसकी आयु के 4/5, तो 4/5 कर लेते हैं, से 16 वर्ष कम है, 16 वर्ष कम है, ठीक है, इसकी आयु अगर शुभम की आयु जो है आमिर की आयु के 4/5 से 16 वर्ष कम है, मतलब इसमें 16 घटा लिया जाए ना तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, इसके लिए फिर शुभम की आयु ने एक यूनिट मानी थी, आमिर की आयु हमारे पास आई थी, इसका 4/5 में 16 कम करेंगे तो इसके बराबर होगा। तो अब एक यूनिट की जो वैल्यू आ गई हमारे पास इसका बड़ा कर लेंगे, इसमें बड़ा कर लेंगे तो हो जाएगा 4, ये 2 से 2 कट भी जाएगा 2 बार में, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 यूनिट बटे में 5, और प्लस में इसमें भी थोड़ा होगा, इसमें इसमें कटेगा नहीं, इसमें कट जाएगा 5 से ये 2 बार में, और 2 चौके 8 हो जाएगा, और माइनस में 16 हो जाएगा। इस यूनिट वाले को इधर लेके आ जाइए, तो एक यूनिट में अगर 2 यूनिट बटे 5 को घटा लें तो ये वाला हमारे पास घट कितना आ जाएगा, ये वाला माइनस में 8 आ जाएगा, तो 5 में से अगर 3 गया तो माइनस 3 यूनिट की जो वैल्यू आ गई 5, ये आएगा 1 में से 2 बटे करेंगे तो 5 में से 2 चला गया, माइनस में नहीं आएगा, ठीक है, माइनस में नहीं आएगा क्योंकि 5 में से 2 जाएगा तो 3 प्लस में जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास कितना था, 4 40 बटे में 5, 5 बटे 40, 4 और 5 2/5, ये भी ठीक है, और इस पूरे को हम इधर लेके आए थे, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास माइनस 8 ही बची अभी तक, ठीक है, तो 3 यूनिट की जो वैल्यू आ गई माइनस 8/5 हो गई, और 1 यूनिट की जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास माइनस 8/15 आ गई, और माइनस में आना नहीं चाहिए, तो माइनस में नहीं आना चाहिए क्योंकि माइनस में तो इसी बनेगा नहीं, तो अगर माइनस में नहीं बन रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ मिसप्रिंट तो नहीं किया, ऊपर में ध्यान से देखिए कहीं कुछ मिसप्रिंट तो नहीं किया गया कि अगर इससे हमारे पास 10 वर्ष है और उसका 4/5, 1 यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी 40/3 आ गई, कितनी आ गई, 40/3 आ गई। अब क्वेश्चन क्या बोला, सभी की आयु का योग, तो यहाँ पे हम रखें इनको, क्या बोला था ना कि अधिक बोला है और हमने यहाँ पे कम कर दिया, ये अधिक बोला था तो यहाँ अधिक होगा, प्लस का साइन होना चाहिए था, और अधिक में हमने क्या कर दिया कम, तो अधिक का मतलब ये वाला क्या होगा, हमारे पास 16 अधिक होता है, यहाँ प्लस 8, ठीक है, तो यहाँ हमारे पास ये घट गया था 3 मिनट, ये भी प्लस आएगा, और ये आंसर हमारे पास प्लस में आना चाहिए, तो 3 ये 8 5 5 8 40, इसको हम एक बार देख लेते हैं, इसको सही करते हैं यहाँ पे, अगर प्लस 8 है तो फिर आंसर हमारा 1 यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी 40/3 आ गई, कितनी आ गई, 40/3 आ गई। अब क्वेश्चन क्या बोला, सभी की आयु का योग, तो यहाँ पे हम रखेंगे इनको, ये आ जाएगा 40/3, और ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, अगर यहाँ रख लेंगे तो 40/20/3 आ जाएगा, और ये वाली रखेंगे तो देखिए ये वाला 2 से कट जाएगा 20/3 प्लस 10 आ गया, और इसमें रख लेंगे तो देखिए 40/3 तो 3 से 3 कट जाएगा 40 माइनस में 28 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हम अगर इन सभी को जोड़ दें तो देखिए ये वाला 10 30 30 20 50 50 20 70 70 और 40, हाँ 70 40 हमारे पास कितना हो जाएगा 110, यही होगा ना, एक बार फिर से जोड़ लीजिएगा, 1/3 1/3 1/3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ हमारे पास आ गया 3 30 20 50 70 40 110, और ये हमारे पास 3, और साथ में हमारे पास यहाँ बचेगा, इसमें हम घटा लेंगे तो ये आ जाएगा 12, ठीक है, और ये वाली वैल्यू हमारे पास हो गई कितनी, 12 3 36 और 110, और एक यूनिट हमारे पास यहाँ बच जाएगा, तो 196 और 180 इन दोनों के बीच में लाई करना चाहिए, जो कि इससे मैच नहीं कर रहा है, 3 यूनिट प्लस 28 थी, शुभम और आमिर की आयु 4/5 से ये हमारे पास इतना आ गया, अगर यहाँ रखने पे ये बन नहीं रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें गलत कर दिया गया क्या, कैलकुलेशन का मिस्टेक होगा मेरे हिसाब से, तभी ये गलत हो रहा है, कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं छोटा मिस्टेक इसमें हो रहा होगा जिसके वजह से नहीं, मतलब जो क्वेश्चन बनेगा वो बिल्कुल सही है, बनेगा इसी तरीके से, कैलकुलेशन में कहाँ गलती हुई ध्यान से सब लोग देखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके अलावा कुछ और इसमें हो नहीं सकता, तो यहाँ पे हमारे पास क्या था 4/5 था और प्लस में 16 था, ये एक यूनिट था, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/5 यूनिट हो जाएगा, या सही है, यहाँ पे हमने कर दिया तो ये वाला हमारे पास आ जाएगा
8 आ जाएगा और ये वाला हमारे पास 16 आ जाएगा। अब ये वाला जुड़ जाएगा, हाँ यही गलती हो रही है, माइनस के जगह पे प्लस किया था इस 8 को हम लोग भूल गए यहाँ पे, तो 3/5 यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी ना 24 हो जाएगी, 3 से कट जाएगा 8 बार में 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो 40 आ जाएगी, 40 आ जाएगी तो ये 40 हो जाएगा और ये वाला कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर रखेंगे तो ये 20 और 10 कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, ये होगा ना 40, तो 2 से 20 10 30 हो जाएगा, और यहाँ 40 नहीं 120, और 120 में हमने घटा लिया 28, 30 घटा लिया 90 और ये 92 हो जाएगा, तो इनको जोड़ लेते हैं 40 20 60 और 90 90 180 और 182 हो जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा 182 आएगा, ठीक है। हाँ फर्स्ट में गलत हुआ था जिसके वजह से वो 8 को हम लोग भूल गए थे, सीरियस बिल्कुल सही है। अच्छा आप लोग कमेंट भी किए थे, मैंने देखा नहीं, ठीक है कमेंट किया, तो 182 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 182। तो कैलकुलेशन इतना छोटा ही था, बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि किसको क्या कब रखना है, और अलग अलग दिन का एज निकाल सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट सवाल आ जाए कि फिर से समझेंगे इसको, हाँ इसमें बहुत बड़ा टास्क नहीं, ठीक है लेकिन इतना भी टाइम नहीं देंगे, ठीक है कुछ तो इसमें सोचना पड़ेगा और ज़्यादा, कितना टाइम देने जरूरत नहीं है, चलिए तो अभी फिलहाल में इसको लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या दिया, समान जन्मतिथि वाले 7 बच्चों का जन्म 7 क्रमिक वर्षों में हुआ था, ये तो ईजी पहले भी आया था, और फिर क्वेश्चन क्या बोला है कि सबसे बड़े 3 बच्चों की आयु का 93 वर्ष है और सबसे छोटे 3 बच्चों की आयु का कितने वर्ष होगा, ठीक है। तो आप चाहे तो ऑप्शन से लेके भी लगा सकते हैं, जो 3 बड़े वाले हैं उसमें हिसाब से भी दिया हुआ है कि 93 है, तो तीनों को जोड़ने के बाद जो हमारे पास आएगा ये 93 दिया हुआ है, ठीक है 93, और ये हमको दिया हुआ है कि 7 क्रमिक है, मतलब 7 क्रमिक मतलब ऐसे ही मान सकते हैं, जैसे अगर एक एक्स मानेंगे तो ये बोला कि 7 बच्चों का जन्म 7 क्रमिक वर्ष हुआ है, तो पहला वाला एक्स होगा, दूसरा वाला एक्स प्लस 1 होगा, फिर एक्स प्लस 2 होगा, फिर एक्स प्लस 3 होगा, फिर एक्स प्लस 4 होगा, फिर एक्स प्लस 5 होगा, फिर एक्स प्लस 6 होगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो इन तीनों का योग दिया हुआ था, कितने हमारे पास 3x है और 5 4 9 9 6 15 बराबर में 93 हमको दिया हुआ, तो यहाँ से 3x की वैल्यू हमारे पास निकल जाएगी, तो 13 घटा देंगे इसमें से 80 और इसमें 2 घटा देंगे तो 78 हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 2 6 3 6 18। अब हमको चाहिए था इन, हाँ क्वेश्चन बोला था कि सबसे छोटे 3 बच्चों की आयु है, सबसे छोटे वाले तो ये वाले हैं, तो कितना आएगा 1x 2x 3x 3x प्लस कितना है 3 है, तो 26 × 3 और प्लस में 3, तो बस 78 में हमको 3 जोड़ देना है और कुछ नहीं करना है, ये कैसे आ जाएगा, ये इजी है, ठीक है ये वाला तो इजी था, कॉमन क्वेश्चन था, इसमें तो हम ऐसे भी मान कर लेते तो हो जाता, ये वाला तो इजी था, कॉमन क्वेश्चन था, इसमें तो हम ऐसे भी मान कर लेते तो हो जाता, ठीक है यहाँ तक तो इनका मैं कुछ अच्छा तरीका आप लोगों के लिए मांगा, ठीक है और अपलोड भी करेंगे, तो ये कैसे होगा, इजी था इसको कर लेंगे, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं, चलिए आगे चलते हैं, कितने हम मुश्किल क्वेश्चन है वो सारे काउंट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला भी सेम है, कर लेंगे वही सेम पैटर्न है, समान जन्मतिथि वाले 7 बच्चों का जन्म हुआ क्रमिक वर्षों में हुआ था, इनमें बड़े 3 बच्चों की आयु का 63 है, तो 63 से देखिए कमी आएगा हमारे पास, और क्रमिक बोला है तो और सबसे 3 छोटे वाले बच्चों का, तो ये भी कर लेंगे, ऑप्शन से लेकर चेक कर लेंगे, दोनों का जोड़ के हमारे पास आना चाहिए, क्रमिक बच्चों का मतलब एक का डिफरेंस होगा, ठीक है चलिए कर लेंगे सेम क्वेश्चन, इसमें टाइम वेस्ट करते हैं, अगला देखते हैं ये कैसा किस लेवल का सोचते हैं, वाई वर्ष पहले मौमा की आयु सौमी की आयु का 1/5 थी, और आज से वाई वर्ष बाद मौमा की आयु सौमी की आयु की 1/4 हो जाएगी, तो मौमा और मौमी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा, वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा, जैसे मान लीजिए प्रेजेंट ये है और प्रेजेंट से वाई वर्ष पहले इनका अनुपात कितना था, मौमा थे, अच्छा नाम भी ऐसा लिखता है ना तो उसको पढ़ना मुश्किल हो जाता है, सौमी है तो 1/5 था, 1/5 था, ठीक है वाई वर्ष पहले, और आज से वाई वर्ष आगे की बात करें, इस प्रेजेंट से ये अनुपात नहीं पता हमको, तो बोला आज से वाई वर्ष पहले की बात करें, कितना हो जाएगा हमारे पास वाई वर्ष की बात की यहाँ पे, तो 1/4 हो जाएगा, 1/4, तो यहाँ पर डिफरेंस हमारे पास कितने का 3 का, यहाँ पर डिफरेंस कितने का 4 का, ये नहीं हो सकता, पहले तो डिफरेंस हमेशा क्या होते हैं सेम सेम होते हैं, तो सेम सेम डिफरेंस मतलब इसमें 3 से गुणा करना होगा और इस वाले 4 का गुणा इसमें करना होगा, तो एक्चुअल में देखिए ये वाला बन गया 4 और ये वाला बन गया 16 और ये हमारे पास कितना हो गया, यहाँ से यहाँ देखिए कितना जाएगा, ये 3 आ गया और ये वाला कितना आ गया 15, तो कितना बड़ा हमारे पास 1 यूनिट बढ़ा, कितना यूनिट बढ़ा 1 यूनिट, और 1 यूनिट बढ़ने के लिए इसको 2y का समय लगा है, कितने y का 2y, मतलब देखिए 1y इधर और 1y इधर, यहाँ से यहाँ तक y बस यहाँ से आ गया, कितने y 2y, तो 1 यूनिट की वैल्यू बनने के लिए इनको 2y लगा, तो अगर यहाँ y की वैल्यू निकालें हम तो 1/2 यूनिट आ जाएगा, कितना आएगा 1/2 यूनिट, तो मतलब यहाँ से अगर y बस पहले ये 3 यूनिट की है तो इसमें 1/2 जोड़ दीजिए, यहाँ से वापस आ जाएंगे 1/2 यूनिट जोड़ और इसमें 15 में भी 1/2 जोड़ दीजिए, तो देखिए ये वाला कितना अनुपात बन जाएगा 3 × 6 1/2 और इसका आ जाएगा 15 × 30 और 31/2, तो 2 से 2 कर जाएगा अनुपात आ जाएगा 7 और 31, तो ये भी कॉमन क्वेश्चन काउंट होगा लेकिन ये अलग है कुछ, मतलब ये नहीं दिया थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो अलग ही बेहतर है दूसरे क्वेश्चन से, जब टाइम नहीं दिया है तो उसके हिसाब से ऐसे निकालेंगे, क्योंकि रेशियो पूछा है तो ऑप्शन से क्यों लगाएंगे, इसको घटाने में आपको टाइम वेस्ट होगा, कोई फायदा होगा नहीं, सभी को ऑप्शन से लगाइए, तो ये इजी था, ठीक है यहाँ तक ठीक है कर लेंगे, आगे देखा जाए एक बार फिर समझ ज्यादा दिक्कत समझ पहले ये 1/5 का अनुपात था और बाद में 1/4 का हुआ है, तो पहले तो डिफरेंस हमेशा सेम होता है, तो इसलिए इसमें 3 से गुणा किया गया और इसमें 3 से और इसका डिफरेंस 4 का था, इसमें 4 से और इसको 4 से, तो जो नया अनुपात बन के आएगा ना वो 3 और कितने का आएगा 15 का और ये वाला आएगा 4 और कितने का 16 का, तो ये 1 यूनिट बढ़ा, 1 यूनिट बढ़ने में इसको 2y लगा, 1y की जो वैल्यू हो जाएगा 1/2 यूनिट हो जाएगा, 2 से का भाग हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये y वर्ष बोला था, ये 2y हमने बस मान लिया, जो भी y होगा ये आ गया, तो 1 वर्ष में कितना पड़ेगा, 1y में कितना पड़ेगा, देखिए ये हमारे पास प्रेजेंट था, बीच में ये प्रेजेंट आएगा और इससे ये y पहले का है, तो यही y इसमें जोड़ लेना, तो इसमें यही 3 में हमने ये 1/2 जोड़ दिया कि इसकी वैल्यू थी और इस 15 में भी 1/2 जोड़ दिया और हमारे पास अनुपात आ गया, ठीक है फिर से इसमें और इससे चाहिए वरना घटा लेते हैं, अगर इससे वापस आना था कि ये आगे का दिया इसमें 1/2 घटाना पड़ेगा तो भी इतना ही आएगा, सेम ही आएगा, अगर इसमें भी घटाए भी जाएगा ना 4 − 1/2 कर लीजिए और 16 − 1/2 तो भी आगे देखिए ये भी 7/2 आएगा और ये भी 31/2 ही आएगा, आंसर उतना ही मिलेगा हमको, ठीक है अगर आपको ये पता नहीं कॉन्सेप्ट तो फिर इसको थोड़ा सा अच्छा फिर से अच्छा से कई सारे क्वेश्चन फिर से समझते हैं, देखिए वाई वर्ष पहले जो थी ज्योति का आयु रूबी की आयु की 1/4 थी, मतलब ये था प्रेजेंट और यहाँ से वाई वर्ष पहले मतलब कितने बीच का यहाँ डिफरेंस है वाई का है, कितने का है वाई वर्ष पहले, इसकी वैल्यू हमको नहीं पता लेकिन पी माइनस वाई की वैल्यू बोला है कि जो ज्योति थी कि आयु रूबी की आयु 1/4 थी, एक थी और कितना था 4 था, नाम नहीं लिखा है, और फिर बोला यहाँ से वाई वर्ष बाद अगर यहाँ से वाई वर्ष बाद बोले तो मतलब पी प्लस वाई का देखें पी मतलब प्रेजेंट है, तो इनका क्या अनुपात है आयु रूबी की आयु 1/3 होगी, मतलब 1 और 3 हो जाएगा, डिफरेंस कितने का है 2 का है और यहाँ पर 3 का, इसमें 2 से गुणा कर लेते हैं और इसमें भी 2 से, अब देखिए बन गया 2 और कितने का 8, इसका 3 का था तो 3 से इसमें गुणा हो जाएगा 3 से, तो ये आ जाएगा 3 और कितने का 9 का, तो ये कितना यूनिट बढ़ा यहाँ से, कितना यूनिट बढ़ा 1 यूनिट,
एक यूनिट की वैल्यू एक वाई पीछे और एक वाई ये मिल कितने होगा दो वाई होगा, तो एक वाई की जो वैल्यू होगी ना एक बटा दो यूनिट हो जाएगी। हम तो चाहिए यूनिट वाला ही मानते कि ये यूनिट में ये भी, अगर यहाँ से आएंगे तो एक बटा दो इसमें जोड़ेंगे क्योंकि ये पीछे गया, अगर यहाँ से वापस जाना है तो घटाएंगे, इसी दो में एक बटा दो जोड़ दीजिए और यहाँ आठ में एक बटा दो जोड़ दीजिए, ये यूनिट में ही आंसर, तो ये आ जाएगा पांच बटा दो और ये आ जाएगा आठ सोलह सत्रह बटा में दो, दो से दो कर गया पांच और सत्रह का अनुपात, पांच और सत्रह पहला वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो अभी तो इजी वाला, दो तीन क्वेश्चन आएगा थोड़े टेढ़े मेढ़े, तो दो तीन क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं, उसका बना लिया जाएगा कुछ यूनिट, लेकिन अभी कम से कम इसमें पचास क्वेश्चन होंगे, कुछ योग पे होंगे कुछ इससे होंगे बहुत सारे होंगे, सारे करेंगे ठीक है, मैं देखा आगे इजी है कॉमन क्वेश्चन है ऑप्शन लगने वाले सब इजी की संख्या ज्यादा है, मुश्किल की संख्या देखिए तीन चार तो किसी भी सेट में कभी भी आ सकता है, तीन बनाएगा ठीक है, ये क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे इजी वाले हैं, कुछ क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन बना सकते हैं ठीक है, लेकिन बिना इस क्वेश्चन का हो सकता है कहीं जगह पे, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इजी वाले हैं लेकिन आप पूरी तरीके से अभी तक तो 62 क्वेश्चन है इसमें, बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो टाइप हो जाएंगे, कितने क्वेश्चन है इसमें आप लोग।